जिसका फ़ायदा भी मिल रहा है और मैं जिस पार्टी से हूँ वो पार्टी भी पिताजी के ही सिद्धांतों को लेकर के और आगे चल रही है और ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। शिवराज सिंह को कितना मजबूत मान रही हैं? मैं उन्हें बिल्कुल भी मजबूत नहीं मान रही हूं, क्योंकि क्षेत्र की जनता उनको सिरे से नगार रही है। 10 वर्षों में उन्होंने क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया है और ऐन चुनावी मौके पे चाहे वो जितनी भी घोषणाएं कर दें तो जनता जागरूक हो चुकी है और वो इन तात्कालिक प्रलोभनों में आने वाली नहीं है और वो क्षेत्र के लिए बहुत कमजोर है। और ये जो अभी महिला बिल पारित हुआ है तो ये केवल महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। जब ये 2024 में लागू हो जाए तब इसको सही तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े रही हैं आम आदमी पार्टी सिरमौर की उम्मीदवार सरिता पांडे जी। सरिता पांडे जी की बात करें तो यह पूर्व मंत्री खाद्य मंत्री सीतासरण शर्मा जी की पुत्रवधू हैं और साथ ही साथ जिला पंचायत चुनावों के पश्चात लगातार 1 वर्षों से अनवरत क्षेत्र में इनका दौरा बना रहा है और अब आम आदमी पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो क्या उम्मीदें हैं और चुनाव को लेकर के क्या अनुभव हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सरिता जी आपका द खबरदार न्यूज पर। और नमस्कार दर्शकों भी बहुत बहुत नमस्कार। चर्चा की सीधी शुरुआत करेंगे क्योंकि वक्त की आपके पास भी व्यापक कमी है, हमने आपको एक जगह पर यहाँ पर रोका हुआ है। ये चाहेंगे कि जैसे कि आप लगातार 1.5 वर्षों से क्षेत्र में दौरे कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनके हालचाल जान रही हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने की भी लगातार कोशिश कर रही हैं, तो इसका चुनावों में कैसा फायदा होता हुआ आपको दिखाई? इसका फायदा बहुत तेजी के साथ दिखाई पड़ रहा है, जनता में बहुत उमंग है, उत्साह है। मेरा सघन जनसंपर्क जारी है और अंतिम समय तक जारी रहेगा। लोग हमारी पार्टी की रीति नीति शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बिजली पानी इस नीतियों को समझ रहे हैं और इन नीतियों से प्रभावित होकर के और आम आदमी पार्टी के लिए वोटिंग करने के लिए काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं। और मैं वैसे भी एक ईमानदारी के जनक श्री सीता प्रसाद शर्मा जी की पुत्र वधू हूँ और उन्हीं के कर जैसा उन्होंने क्षेत्र में जनसेवा का संकल्प लिया है मैं भी उसी संकल्प को लेकर के आगे चल रही हूँ। और मेरा ये संकल्प है कि मैं क्षेत्र के हर व्यक्ति की समस्याओं को हल कर सकूँ और करने की कोशिश करूँ। सीता प्रसाद जी और यमुना प्रसाद शास्त्री जी से आपके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं कहीं ना कहीं और उनके बारे में क्षेत्र में एक सकारात्मक चीज़ है कि उन्होंने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है, यहाँ की पहचान के तौर पर कई सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, तो क्या इसका असर आपको मिलता होगा? बहुत सभी को ये चीज़ें याद हैं कि तराई अंचल हो चाहे इधर की बात हो, पिताजी ने हमेशा सिरमौर विधानसभा को अपना घर आंगन माना है, कभी भी उन्होंने उसे क्षेत्र नहीं माना है कि ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है। और उन्होंने प्रयास ये किया है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक भी विकास पहुंचे और यही सिद्धांत मेरा भी है कि हर व्यक्ति का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और उनकी समस्याएं हल हों। और इसका बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि जहां भी मैं जाती हूं तो लोग इस चीज़ को मुझे बताते हैं कि अपने समय पर पिताजी ने क्या क्या काम किया था, यहाँ आवागमन को सुगम बनाने के लिए तराई अंचल में कसियारी पुल बनवाया था, लोगों ने ही ये बताया कि बिजली की समस्याओं को उन्होंने हल किया और भी बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं जिसका फ़ायदा भी मिल रहा है। और मैं जिस पार्टी से हूँ वो पार्टी भी पिताजी के ही सिद्धांतों को लेकर के और आगे चल रही है और ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि पिछले 18 वर्षों से लगभग भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और साथ ही साथ सिरमौर में भी 10 वर्षों से दिवराज सिंह बीजेपी के विधायक हैं और मौजूदा समय में प्रदेश में कहीं ना कहीं एक नाराज़गी दिखाई देती है प्रदेश नेतृत्व को लेकर के, तो उसका कितना फ़ायदा आपको दिख रहा है या दिवराज सिंह को कितना मजबूत मान रही हैं? मैं उन्हें बिल्कुल भी मजबूत नहीं मान रही हूं क्योंकि क्षेत्र की जनता उनको सिरे से नगार रही है। 10 वर्षों में उन्होंने क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया है और ऐन चुनावी मौके पे चाहे वो जितनी भी घोषणाएं कर दें तो जनता जागरूक हो चुकी है और वो इन तात्कालिक प्रलोभनों में आने वाली नहीं है और वो क्षेत्र के लिए बहुत कमजोर हैं। जाति समीकरण भी सिरमौर विधानसभा में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, गो समीकरण आपके पक्ष में किस तरीके से जा रहे हैं और किसको किसका फ़ायदा मिल रहा है? देखिए ऐसा है कि जनता इतना जागरूक हो चुकी है कि वो अच्छी तरह से जानती है कि हमको जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो लेकिन शिक्षा हर व्यक्ति के बच्चे को चाहिए है, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो लेकिन उस परिवार को स्वास्थ्य चाहिए है।
कोई किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन उसका बच्चा अगर कहीं दूर दराज से पढ़ लिख करके आया है तो उसको रोजगार चाहिए है, उसको बिजली पानी चाहिए है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी, रोजगार, ये हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और हमारी पार्टी जो है तो इन्हीं मुद्दों पर काम कर रही है, मतलब वो सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रही है, सभी जाति वर्ग धर्म समुदाय के लोग सुखी हो सकें वो इस पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से अगर हम पूरी ताकत के साथ कहें तो इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश में उतरी है, तो क्या आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है? इस बार हम ये मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी खाता खोलेगी? बिल्कुल खाता खुलेगी और उसकी कई सीटें यहाँ पर आएंगी। लोग पसंद कर रहे हैं उस पार्टी को, क्योंकि जितनी भी पार्टियाँ क्षेत्र में रह चुकी हैं लोगों ने उनकी कार्यप्रणाली को देखा है और सभी नाखुश हैं। और दिल्ली और पंजाब आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों के उदाहरण हैं और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आगे हमें समय में जो है तो केंद्रीय नेतृत्व जो आपका है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान जी हो या राघव चड्ढा जैसे जो वरिष्ठ जन हैं, तो क्या सिरमौर में कोई रैली वगैरह कोई कार्यक्रम उनका आयोजित होना है? जी, केजरीवाल का रोड शो आयोजित होना है और उसके लिए हम समय और दिनांक आपको कल स्पष्ट कर देंगे। मतलब एक बड़ा जो है तो कार्यक्रम यहाँ पर केजरीवाल जी के माध्यम से सिरमौर में किया जाने वाले का तय है जी। और चुनावों को लेकर के चूंकि आप महिला हैं और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर के अक्सर बात की जाती रही है, अभी हाल ही के दिनों में यहाँ पर महिला बिल भी पारित किया गया संसद में, लेकिन महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है और आप अगर चुन करके आती हैं तो सिरमौर की महिलाओं के लिए क्या विशेष करेंगी कुछ? देखिए, महिला सशक्तिकरण पर ही हमारी पार्टी काम कर रही है और सबसे बड़ी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी देश की किसी भी समाज या कोई भी देश तब खड़ा हो सकता है जब हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी हो, जो कि हमारी पार्टी का प्रमुख मतलब मुद्दा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे वो करें। और ये जो अभी महिला बिल पारित हुआ है तो ये केवल महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है, जब ये 2024 में लागू हो जाए तब इसको सही तरीके से करेंगे, लेकिन जो उसमें प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार ये 2027 तक तो लागू ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जनगणना का कुछ ऐसा उसमें दिया। हाँ, तो ये केवल अभी चुनावी समय चल रहा है तो केवल वोट लेने की ये राजनीति है कि कम से कम देश की आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं तो महिलाएं कम से कम अपनी ओर प्रभावित होकर के और वोट दे देंगी। बाकी मैं अगर क्षेत्र में आती हूं तो महिलाओं के लिए स्थिति मजबूत करने का प्रयास करूंगी, उनकी शिक्षा की स्थिति अच्छी हो, उनको भी रोजगार का प्रबंध कराया जाए, उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएँ, तो इसी से महिला सशक्तिकरण है। आज दीपावली है, दीपावली को आपको बहुत सारी बधाई और आगामी चुनाव के लिए भी बहुत सारी मैं आपको भी बहुत बहुत सारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और समस्त दर्शकों को भी, क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी। तो ये थे हमारे साथ सरिता पांडे जी, जो आम आदमी पार्टी से सिरमौर क्षेत्र की उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के और क्षेत्र के जो काम होने हैं भविष्य में, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान को लेकर के बातचीत की। हमारे सारे दर्शकों को भी हम आज दीपावली के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और कामना करते हैं कि आपका आने वाला वर्ष बहुत ही बेहतर और सुविधापूर्ण होगा। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।